हेलो वेलकम गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं कि कल का मार्केट कैसा रह सकता है। तो आज अगर आपने देखा होगा तो एक बहुत ज्यादा शार्प सेलिंग आई और उसके बाद में मार्केट बहुत ज्यादा मूव नहीं किया, ऑलमोस्ट एक ही जगह पर थोड़ा देर तक ठहर गया मार्केट और फिर बिल्कुल स्लो एंड स्टडी हल्का हल्का ऊपर बढ़ा और हर थोड़े से राइज पे हमने सेल करने की कोशिश की और उसमें हमारा बहुत बढ़िया लगभग 12 ट्रेड आज के दिन में हमने किए थे। तो वो सारे के सारे बढ़िया है ना, प्रॉफिटेबल ट्रेड रहे ना, ऑलमोस्ट 12 ट्रेड्स थे और सारे के सारे प्रॉफिट थे चारों इंडेक्स में मिला के। ठीक है, मिड कैप हो गया, फिर निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी, सब में मिला के 12 ट्रेड थे और बहुत ही अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड रहे। अगर आपने देखा होगा तो हमारा फिर निफ्टी का जो जीरो हीरो था वो भी ऑलमोस्ट 3 रुपए से और वो 8 रुपए चला गया था और एक जो हमारा ये था आउट ऑफ द मनी का 19700 का, ठीक है, 19700 की जो पुट थी वो इस तरीके से मूव की थी। और इसके अलावा अगर आपने देखा होगा तो 19750 की जो इन द मनी थी, इन द मनी थी वो 17 रुपए से लगभग 43 रुपए चली गई थी। हम वो उसका बॉटम तो खैर 10 रुपए था पर 10 रुपए पे हम नहीं ले पाए थे क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमको थोड़ा सा डिलेड एंट्री देता है ना, बहुत ज्यादा सुपर फास्ट नहीं कि बिल्कुल टॉप पे आप सेल कर दोगे, क्योंकि एक सेलिंग साइड का सिनेरियो दिखना चाहिए तभी आप सेल कर पाओगे। तो एक बहुत ही बढ़िया एंट्री मिली और अच्छा हमारा आज का प्रॉफिट रहा। तो कल के लिए अगर हम देखते हैं तो देखो, एक अगर आप देखोगे निफ्टी 50 में देखो, एक इस तरीके से चैनल सी बनती हुई दिख रही है आपको, ठीक है, और जैसे ही मार्केट इस जोन में खुला वहां से सेलिंग आई, ठीक है, क्योंकि ये एक लेवल था और ये जैसे ही ब्रेक हुआ वहां से कंटिन्यूस सेलिंग आ गई और यहाँ पे इस चैनल के यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा होल्ड किया और फिर वापस धीरे धीरे बढ़ा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो आपको ये एक फ्लैग एंड पोल टाइप का पैटर्न भी दिख सकता है। और अगर इसको अगर आप फ्लैग एंड पोल कंसिडर करोगे तो यहाँ से हो सकता है कि ये इतना ही टारगेट अगर कल सेलिंग आती है तो वो आपने को देखने को मिल सकता है। तो अपना कल क्या प्लान रहेगा, कल का एक प्लान आप ये इस तरीके से सिनेरियो प्लान कर सकते हो कि अगर ये इसको भी अगर कर रहा है तो समवेयर अराउंड यहाँ पे 425, मतलब अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है अराउंड यहीं पे कहीं पे और ये लेवल्स को अगर निकालने की कोशिश करता है तो सेल साइड में पोजीशन बनाएंगे और ये एक ट्रेड लाइन ड्रॉ कर लेना आप ना। और अगर वो इससे भी कंटिन्यूस नीचे जाता है तो सीधा यहाँ से इस ट्रेड लाइन के लो तक अगर रिवर्स नहीं होता यहाँ से तो और यहाँ पे 50 पॉइंट लगभग 100 पॉइंट का गिरावट आ सकती है इस पॉइंट को ब्रीच करने के बाद में ना, लगभग अगर आप अगर देख के चलोगे, अगर फ्लैट ओपन होता है या हल्का सा गैप डाउन ओपन होता है तो दोनों सिनेरियो में सेलिंग साइड में हम देखेंगे अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो एक सेल साइड में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर मार्केट मान लो यहां पे होल्ड करता है इस लेवल को, जब तक ब्रीच नहीं करता है सेल साइड में पोजीशन नहीं बनाएंगे, ऊपर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जाता है तो वहां इग्नोर करेंगे, हर राइज पे थोड़ा हल्का फुल्का सेलिंग और वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट मान लो गैप अप यहां कहीं पर ओपन हो जाता है तो तब तक इन लेवल्स को ब्रेक नहीं करता, ये जो ट्रेड लाइन आ रही है ऊपर से अगर आप ड्रॉ करोगे, जब तक इन लेवल्स को ब्रेक नहीं करता है कन्विंसिंगली तब तक अपसाइड में यहां नहीं देखेंगे, वॉलेटिलिटी हो सकती है, बड़ी पोजीशन अपसाइड में नहीं बना सकते हैं, ये लेवल्स हैं। अगर यहां कहीं गैप अप हो जाता है इस ट्रेड लाइन से, अगर मान लो रेजिस्टेंस लेके गिर सकता है या वॉलेटिलिटी दिखा सकता है, यहां से ब्रीच भी करता है तो नेक्स्ट टारगेट रखेंगे इस ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट पे ये। बाकी हमारा जो बाइंग पोजीशन है वो मेन ये मेजर ये जो लेवल है, अगर आप देखोगे ये लेवल 750 के, उसको ब्रेक करने के बाद में ही देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे जब तक कोई 15 मिनट की कैंडल इसको ऊपर क्लोज नहीं करती है यहाँ पे बाइंग साइड में टू द टॉप पॉइंट, ये मान लो बाइंग साइड में अपॉर्चुनिटी तब तक नहीं देखेंगे, यहाँ गैप अप होता है तो वहाँ पे वॉलेटिलिटी मार्केट में बन सकती है, साइडवेज रह सकता है। देख लेते हैं डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी में आपको क्या दिखाई दिया। अगर डे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो निफ्टी में आपको सिंपल सिंपल दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मार्केट या देखो पिछले पूरे महीने मार्केट बढ़ा है फिर गिरा है फिर यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड सा कर रहा है मार्केट, है ना, तो इन लेवल्स पे इसीलिए गैप अप के ऊपर हम थोड़ा होल्डिंग देख सकते हैं। तो जब तक ये लेवल्स ब्रीच नहीं होते हैं, ठीक है, तब तक ऊपर की तरफ बाइंग साइड में एक ट्रेड नहीं आ सकता, हो सकता है एक दो दिन और यही मार्केट होल्ड करे पर उसके बाद में जिधर भी ट्रेंड पकड़ेगा एक बढ़िया ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा और एक अच्छा आपको अगर सेलिंग होता है तो बढ़िया सेलिंग, कम से कम 100 से 200 पॉइंट की सेलिंग भी देखने को मिल सकती है। और अगर बाइंग होती है तो वापस मार्केट है ना न्यू हायर हाई, मतलब यानी न्यू लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ सकता है, धीरे धीरे ट्रेंड बना सकता है एक अच्छा। ये हो गया हमारा निफ्टी का व्यू। अगर आप बैंक निफ्टी में देखते हो तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप डे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बिल्कुल सिमिलर सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, मार्केट बड़ा है गिरा है फिर यहाँ पे होल्ड कर रहा है, ठीक है, मार्केट इन लेवल्स को होल्ड कर रहा है,
तो इन लेवल्स को कल जब यहाँ नीचे ब्रीच करेगा तो नीचे की तरफ देखेंगे, ये एक ट्रेड लाइन आ रही है, उसके ऊपर अगर आता तो भी वॉलेटिलिटी देखेंगे। जब तक 44,750 के लेवल्स नहीं निकलते हैं बैंक निफ्टी में, बाइंग साइड में देखना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। अगर थोड़ा गैप अप भी होता है तो वही निफ्टी जैसा थोड़ा इग्नोर करने की वहां पे कोशिश करेंगे हम, क्योंकि वहां पे फिर एक रिस्की सिनेरियो बन जाएगा और वो एक अपने के लिए लॉस का सिनेरियो बन सकता है वहां से अगर ऊपर निकलता है मार्केट तो। यहाँ पे देखते हैं, चलो आना निफ्टी में जैसा है बिल्कुल बैंक निफ्टी में भी सिमिलर टाइप का स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ दिखेगा, एक इस तरीके से ये ट्रेड लाइन आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे ये लेवल्स, ठीक है, ये लेवल्स पे मार्केट ने बहुत होल्ड किया है, तो जब तक ये मार्केट इन लेवल्स को होल्ड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यही इनवर्स फ्लैग एंड कोल्ड हो सकता है कि इतना ही टारगेट, ठीक है, इतना ही टारगेट ये नीचे की तरफ दिखा दे अगर ये लाइन ब्रीच करे तो, ठीक है। तो ये लेवल ध्यान रखेंगे, यहाँ पे गैप डाउन खुल के अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो बढ़िया सेलिंग आ सकती है। फ्लैट खुल के भी इन लेवल्स को अप्रोच करके गिर सकता है मार्केट, गैप अप कहीं खुल जाता है तो इग्नोर करो जब तक कि ये लेवल्स मेनली बेसिकली क्रॉस ना हो, ठीक है। इसके बाद में ये एक टारगेट ले सकते हो, लगभग 750 के करीब के ये लेवल है, ये ब्रेक हो तो 920 तक आप देख सकते हो। उसके ऊपर अगर आपको देखना है तो फिर मार्केट को यहाँ अगर और ज्यादा गैप अप खुल के इनको ब्रेक करके यहाँ करता है ऊपर यहाँ सस्टेन करता है तो फिर एक अप मूव के लिए देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ 45,000 से ऊपर कल के दिन में मार्केट नहीं जाना चाहिए बैंक निफ्टी जितना अभी दिख रहा है। तो ये हुआ बेसिक का आज का, और अगर आज आप लाइव ट्रेड में आएंगे तो बढ़िया पैसा बनाया होगा। कल भी हम कोशिश करेंगे तो सुबह 9 से 3:30 बजे तक हम लाइव मार्केट में एनालिसिस देते हैं, तो वहां पे आके ज्वाइन कर सकते हो। अभी तक कुछ सीखा नहीं है तो भाई जाके हमारा tradingwithkarol.com वेबसाइट है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप कोर्स वगैरह देख सकते हो। और फ्री वाला कोर्स अभी के लिए हमने बंद कर दिया, सिर्फ पेड वाला कोर्स है, क्योंकि फ्री वाले कोर्स में काफी एनरोलमेंट हमको मिल गए थे। अभी के लिए हम चाह रहे हैं कि उन्हीं को एक बार प्रॉफिटेबल सिनेरियो में आने देते हैं, उसके बाद में उसका क्या फीडबैक रहता है उस तरीके से फिर आगे फिर उसको डिप्लॉय करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, एंजॉय करो सारे लोग, और फिर मिलते हैं कल सुबह 9 बजे।